चारा घोटाला में जेल की सजा काट रहे राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव की उम्मीदों को अब तगड़ा झटका लग गया है। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लालू यादव ने दी थी, जिसको अब 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है। इसी पर लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने इसकी वजह सीबीआई को लेकर बताई है। आपको बता दें लालू यादव के वकील ने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही साथ प्रभात कुमार, जो कि लालू यादव के वकील हैं, प्रवक्ता हैं झारखंड हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। उसमें सीबीआई वाले की तरफ से काउंटर नहीं आया था, तो उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि हमको एक समय दिया जाए काउंटर देने। इधर भी सर, हम लोग ने उसको अपोज किया कि नहीं, काउंटर इनको हम 22 अक्टूबर को एक कॉपी सर्व कर दिए थे और काफी समय मिल गया था, पर उनके काफी रिक्वेस्ट करने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 नवंबर के लिए। सर, सीबीआई को क्या शपथ पत्र कब तक दायर करने का आदेश? उसमें 23 तारीख तक उनको दे देना है। 23 तक सर, जब आप लोगों ने पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन दिया था, उसके बावजूद सीबीआई की तरफ से समय मांगा जाना, क्या आपको लगता है इंटेंशनली? हाँ, इंटेंशनली उन्होंने किया है, जान के कहा कि हमने 22 अक्टूबर एम्पल टाइम मिला था, आज है 6 नवंबर है, 22 अक्टूबर को फाइल किया गया था, करीब 15 दिन के समय उनको मिल गई थी, उसके बावजूद भी उन लोग ने तैयार नहीं हुआ था, इसलिए काउंटर के लिए है। तो बाद में काफ़ी उनका रिक्वेस्ट पर जो है कोर्ट ने एक समय किया। इसके लिए आपने नहीं कहा कि जब पर्याप्त समय था सीबीआई? हाँ, हमने बोला हमारे तरफ से कि हम इनको 15 दिन पहले ही कॉपी सर्व कर दिया गया था, ये जानबूझ के जो है काउंटर नहीं फाइल किए, जिससे कि हमको जेल में रहना।